بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. कल ये हदीस पढ़ी गई थी और हदीस में ये बताया गया था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब दावत व तबलीग की गरज से यमन रवाना किया तो कुछ नसीहतें इरशाद फरमाई, जिसमें से पहली नसीहत पे कल रोशनी डाली गई थी कल के दर्स में। और पहली नसीहत ये थी कि सबसे पहले लोगों को तौहीद की दावत दो, तौहीद की तरफ बुलाओ, शिर्क से ऐलान बरात, शिर्क से बेजारगी की दावत दो, क्योंकि बंदगी का सफर यहीं से शुरू होता है। जब तक बंदा ये ना कहे कि मैं माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है, मेरी पेशानी सिर्फ उसी के आगे झुकेगी, तब तक बंदगी का सफर शुरू नहीं होता। तौहीद की दावत सबसे पहले। अब उसके बाद प्यारे नबी ने कहा, दूसरी जो नसीहत फरमाई, कहा फइन्हुम अताउक लिज़ालिक, कहा कि मुआज देखो अगर तौहीद के सिलसिले में तुम्हारी बात ये लोग मान जाएं, शिर्क को छोड़कर तौहीद को अपना लें, तो फिर दूसरी दावत उन्हें नमाज की दो। उन्हें बताओ कि दिन और रात में अल्लाह ताला ने उन पे 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, उसकी तौहीद को तस्लीम करने के बाद, आमाल में सबसे पहला अमल जो हम सब पर फर्ज होता है, वाजिब होता है, नमाज है। 5 टाइम की नमाजें सबसे पहला फर्ज है। यही वजह है कि कयामत के दिन भी सबसे पहला सवाल नमाज ही के बारे में होगा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, कयामत के दिन हुकूकुल इबाद की जब बात आएगी तो पहला सवाल खून के सिलसिले में होगा। कत्ले नाहक, किसी ने नाहक किसी का मर्डर किया, किसी ने नाहक किसी को जख्मी किया, किसी ने नाहक किसी पे हमला किया, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला सवाल इसके सिलसिले में होने वाला है। और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में, अल्लाह के हुकूक में सबसे पहला सवाल नमाज के सिलसिले में होने वाला है। इसलिए नमाज ये इतना अहम फरीजा है कि ये हमारा मुसलमान को मुसलमान बनाने वाला फरीजा, मुसलमान रखने वाला फरीजा। जहां इसमें कोताही हुई, इंसान दायरे इस्लाम से निकलकर दायरे कुफ्र में चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमस्सलाह फमन तरकहा फकद कफर। आपने कहा कि हम में और काफिरों में फर्क करने वाली चीज नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। अफसोस होता है नमाज के सिलसिले में मुस्लिम मुआशरे में जो गफलत देखी जाती है, अल्लाह रहम करे, कितने ऐसे हैं क्या उनका उसूल ये है, टाइम मिला तो नमाज पढ़ लेते हैं, टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ने के सिलसिले में उनका कानून क्या है, फ्री रहे टाइम मिला पढ़ लिए। इस तरह हर दिन 1-2 नमाजें 3 नमाजें चट होती ही हैं।
और कितने ऐसे हैं कि सिर्फ जुमा को तौफीक होती है, जुमा के दिन सिर्फ मस्जिद में हाजिरी होती है, बाकी औकात में वो ना घर में पढ़ते हैं ना मस्जिद में हाजिरी देते हैं, बिल्कुल जुमा की हद तक। और कितने बदनसीब ऐसे भी हैं कि जुमा भी उन्हें मुयस्सर नहीं। हाँ, तो ये देखो, नमाज बहुत बड़ा फरीजा है, अव्वलीन फरीजा है। तौहीद के बाद आपने हजरत मुआज़ से कहा, अगर तौहीद के सिलसिले में तुम्हारी नसीहत को मान जाए तो उन्हें नमाज की तालीम दो। फिर कहा फइन्हुम अतऊक लिज़ालिक, नमाज के सिलसिले में तुम्हारी बात मानकर नमाज भी अगर वो पढ़ने लगे तो उन्हें तीसरी बात की तालीम देना। देखो एक चीज यहां रुक कर ये बात समझने की है, दावत व तबलीग करते हुए, लोगों को सुधारते हुए, लोगों की इस्लाह करते हुए तदरीज का ख्याल रखना। तदरीज किसे बोलते हैं मालूम? स्टेप बाय स्टेप बताओ लोगों को, सारा दिन एक साथ थोपो मत। क्या कह रहे हैं प्यारे नबी? स्टेप बाय स्टेप, पहले तौहीद की बात करो, मान गए तौहीद, चलो अब नमाज की तरफ आओ, नमाज को भी मान गए, चलो जकात की तरफ। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी शख्स की इस्लाह करते हुए कि आप एक साथ और एक ही वक्त में, एक ही मजलिस में, एक ही नसीहत में सब नहीं सुधार सकते आप। देखो कि आदमी के अंदर जो खराबियां हैं, सबसे बड़ी खराबी क्या है पहले उसे टारगेट करो। सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी बुराई पहले उसे टारगेट करो, समझाओ, छोड़ दो, ये सही नहीं, ये गलत है। वहां जब वो बात मान जाता है तो फिर आओ दूसरी कमजोरियों की तरफ। अगर आप लोगों के सामने एक ही मजलिस में पूरा दीन पेश कर देंगे ना, वो समझेगा ये दीन बड़ा मुश्किल है। एक काफिर का तस्वीर करो आप, एक गैर मुस्लिम का तस्वीर करो आप, उसे आप तबलीग कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, क्या करेंगे आप? सिर्फ उस वक्त तौहीद की बात करेंगे उसके साथ, आप तौहीद की बात करो, देखो ये पूजा करना गलत है, ये गैर उल्मा की परस्तिश करना गलत है, ये बुतों को मानना गलत है, हमको किसने पैदा किया, हम सबका खालिक तो अल्लाह है, हम सबका मालिक। आप बस जब काफिर से बात करते हैं इसी एक पॉइंट पे आप रहिए। आप अगर उसे बोले देखो मुसलमान अगर तुमको होना है तो शिर्क को छोड़ना पड़ेगा, पांच टाइम की नमाज पढ़ना पड़ेगा, इतने फर्ज हैं उसमें, इतनी सुन्नतें हैं इसमें, इतनी नफिल नमाजें पढ़नी होंगी, नमाज में ये सब जिक्र पढ़ने होंगे, नमाज में ये सब दुआएं पढ़नी होंगी, रोजे रखने होंगे, जकात देने होंगे, शराब नहीं पीना होगा, फला नहीं करना होगा, एक ही मजलिस, बातें तो सही हैं, सब बातों पर उसे अमल करना है, लेकिन पेश करने का एक तरीका होता है। एक ही मजलिस में अगर आप पूरा दीन पेश कर देंगे, वो कहेगा कि ये दीन तो बड़ा मुश्किल दीन है। इसीलिए एक हदीस ये भी आती है, देखो हजरत मुआज को भेजे ना प्यारे नबी, तो हजरत मुआज को भेजते हुए आपने उनके साथ, उनके बाद हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अनहु को भी यमन भेजा था, ठीक है, हजरत मुआज भी गए यमन को, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अनहु भी गए यमन को, दोनों से क्या कहा जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहा देखो यस्सिरा वला तुअस्सिरा, यमन जा रहे हो तबलीग के लिए, ये नसीहत याद रखो, दीन को आसान बनाकर पेश करो, दीन को आसान बनाकर पेश करो, वला तुअस्सिरा, दीन को मुश्किल बना के मत पेश करो। कितनी प्यारी नसीहत है। और कहा बशिरा वला तुनफिरा, और लोगों को दीन के हवाले से बशारतें सुनाओ, खुशखबरियां दो, दीन के हवाले से ऐसी बातें बताओ जिन्हें सुनकर उन्हें खुशी हो जाए। वला तुनफिरा, ऐसी बातें ना करो कि लोग दीन से भिदकने लग जाएं और दीन से दूर हो जाएं। ये सब
नसीहत है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं, मुखलिस जरूर हैं, लेकिन हमारी तबलीग का अंदाज ऐसा है कि आदमी सामने वाला हमारी बात मानने के बजाय हमारी दावत से मुतनफिर होता है। देख रहे हैं आप, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, दीन को आसान बनाकर पेश करो, मुश्किल बना के मत पेश करो। तो वही है, एक एक बात आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। कहा कि तौहीद की बात करो, तौहीद की बात मान गए तो पांच वक्त की नमाज की तालीम दो, नमाज की बात को अगर मान गए فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, उन्हें ये बताओ कि अल्लाह ने उन पर जकात भी फर्ज की है जो साल में एक मर्तबे ली जाती है। تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, ये जकात जो उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके गरीबों को दी जाएगी। तो जकात इस्लाम का तीसरा रुकन है, नमाज हुकूकुल्लाह का उनवान है, तो जकात हुकूकुल इबाद का उनवान है। इसीलिए हर पैगंबर की शरीयत में, आसमान से नाजिल होने वाली हर किताब में नमाज और जकात का हुक्म रहा है। टाइम अलग, तरीका अलग, ये सब अलग बात, लेकिन फिल जुमला हर शरीयत में, हर आसमानी किताब में नमाज और जकात की तालीम दी गई है। नमाज पढ़ के अल्लाह का हक अदा करो, जकात देकर बंदों का हक अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को इस हदीस मुआज़ बिन जबल में जो प्यारी प्यारी नसीहतें आई हैं उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।